प्रदेश की महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों में से एक है महिला एवं वित्त विकास निगम की आदिवासी महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण योजना। प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में संचालित इस योजना के अंतर्गत मंडला जिले के निवास क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं के साथ शुरू हुई एक नई पहल, राई एवं रामतिल की उन्नत कृषि और उसके तेल का उत्पादन। महिला वित्त विकास निगम ने वर्ष 2016 से तेजस्विनी महिला महाकौशल महिला संघ निवास की 1470 आदिवासी महिलाओं के साथ राई रामतिल उन्नत कृषि एवं ऑयल एक्सपेलर यूनिट को स्थापित करने का काम शुरू किया। प्रदेश सरकार के सहयोग से इन महिला किसानों को 1 किलोग्राम उन्नत बीज एवं उर्वरक उपलब्ध कराया गया। जब से संघ में जुड़े हैं, जब से यहाँ से बीज भी मिल जाता है, खाद भी मिल जाता है, कीटनाशक दवाई भी मिल जाती हैं, तो उससे खेती भी अच्छी हो रही है। पहले 1 एकड़ में 2 क्विंटल से ज़्यादा नहीं होता था, अब पहले से अब 4 क्विंटल 5 भी हो सकता है। साथ ही पैदावार से संबंधित क्षमता वर्धन प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों से दिलाया। निर्धारित कार्य योजना के अनुसार महिला संघ द्वारा प्रत्येक महिला किसान से 20 किलो राई एवं 20 किलो रामतिल का संकलन किया गया। संकलित राई व रामतिल का तेल निकालने हेतु राज्य प्रशासन के सहयोग से मिनी ऑयल एक्सपेलर यूनिट लगाई गई, जिसके माध्यम से ये महिलाएं तेल निकालकर विक्रय कर रही हैं एवं लाभ कमा रही हैं। ऑयल मशीन में हमारे यहाँ 1 क्विंटल राई पे हमें 30 से 34 लीटर तेल प्राप्त हो जाता है और 60-62 किलो खली प्राप्त होती है। प्रतिदिन हमारे द्वारा 4 क्विंटल राई का यहाँ पर तेल निकाला जाता है और जिससे हमें प्रतिदिन का इनकम जो आती है हमारी 3600 करीब है। महिलाओं द्वारा तेल निकालने के बाद बची हुई खली को भी मार्केट में विक्रय किया जा रहा है, जिससे 18 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से अतिरिक्त आय भी हो रही है। इतना ही नहीं, यूनिट में काम कर रही महिलाओं को 150 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय भी दिया जा रहा है। साथ ही तेजस्विनी समूह की महिलाओं के लिए तेल निकालने का कार्य निशुल्क किया जा रहा है। 5000-10000 तक फायदा हो जाता है, तो कहीं हम गाय खरीदे थे, बकरी खरीदे थे और इस साल हो गया है तो बेच के हम 10000 का तो टीवी खरीद लिए हैं और बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। इनके द्वारा उत्पादित तेल का अब भारतीय ब्रांड के नाम से बाजार में विक्रय भी प्रारंभ हो चुका है एवं कई संस्थानों से तेल को खरीदने की मांग भी आने लगी है। मध्य प्रदेश सरकार की ये कोशिश इन आदिवासी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त तो बना ही रही है, साथ ही उन्हें आजीविका की नई राह पर भी ले जा रही है, जिसकी गवाह इनके चेहरों पर बिखरी ये मुस्कान है।